नमस्ते। डायबिटीज के बारे में आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा शायद कि यार वाकई में ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे वीडियो आपने डायबिटीज के बारे में देखा होगा, लेकिन यार ये वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा। और इसको अगर आप समझ लिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आपका बॉडी कितना वीक है। स्पेशली जिनको डायबिटीज हुआ है वो तो जरूर से देखे, और जिनको नहीं हुआ है वो भी जरा इस वीडियो को देखे ताकि समझ में आ जाए कि आखिरकार क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, क्यों इतना वीक हो चुका है। ठीक है, साइंटिफिकली मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, डायबिटीज। अब देखिए, डायबिटीज में जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो माना जाता है कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे ज्यादा है तो उसको डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये मिलीग्राम है और ये डेसीलीटर है, डीएल यानी कि डेसीलीटर। अब 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर। ठीक है, क्योंकि पूरा जब आप साइंटिफिक थियोरेटिकली आप समझ जाएंगे ना मैथमेटिकली, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये डेसीलीटर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीटर में, यानी कि 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर। और ये जो मिलीग्राम है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम, 0.001 ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसको हम ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहे, ठीक है, मिलीग्राम में से ग्राम में आएंगे और डेसीलीटर में से लीटर में आएंगे, तो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका आ जाएगा 1.26 ग्राम पर लीटर, 1.26 ग्राम पर लीटर। ये इक्वेशन है मैथ्स का। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली हम, ठीक है, 1 लीटर तो ब्लड नहीं है हमारा बॉडी में, ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन हम इसको 5 लीटर समझकर चलते हैं। ठीक है, तो ये 1 लीटर ब्लड में 1.26 ग्राम अगर शुगर है तो उसको डायबिटीज गिना जाता है, लेकिन 5 लीटर के हिसाब से उसको हम 1.26 × 5 करेंगे तो 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम शुगर ज्यादा अगर है हमारे बॉडी में ब्लड में तो डायबिटीज गिना जाता है फास्टिंग लेवल। अब देखिए बात यहां पे आती है, हमारे बॉडी में 656 656 मसल्स है, हमारे बॉडी में 656 इतने मसल्स हैं और आपका बॉडी इतना वीक हो चुका है कि वो सिर्फ 6.3 ग्राम शुगर को खा नहीं सकता, इतना वीक। फिर से आपको समझाता हूं मैथ्स का पूरा इक्वेशन। देखिए हम मिलीग्राम डेसीलीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में लीटर में होता है, ठीक है, 1 लीटर ब्लड नहीं होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम पर लीटर में, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम। ठीक है, यानी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका ग्राम पर लीटर कितना होगा, 1.26। लेकिन ये तो 1 लीटर में हुआ, हमारे बॉडी में तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है, तो 5 लीटर के हिसाब से 1.26 × 5 यानी 6.3 ग्राम, और 656 मसल सिर्फ और सिर्फ 6.3 ग्राम शुगर को खाने से इनकार कर रही है, कितना वीक हो चुका है आपका बॉडी, कितना वीक हो चुका है आपका बॉडी कि 656 मसल्स इतनी शुगर नहीं खा सकता। कभी इमेजिन किया है कि आप छोटे थे तब कितनी शुगर, कितने लड्डू खा जाते थे,
मुझे खुद को याद है कि मैं रोटी में शुगर भी डाल के खा जाया करता था, कितनी सारी शुगर थी उस टाइम, लेकिन फिर भी डायबिटीज नहीं होता था। लेकिन आज की लाइफस्टाइल देखिए आप अपने आप की, ठीक है, आपका खाना जो है वो देखिए आप, आपके थॉट्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, वो सब देखिए, कितने वो वीक हो चुके हैं, कितनी लाइफस्टाइल आपकी बिगड़ चुकी है, कितनी आपकी जो डाइट सिस्टम वो बिगड़ चुकी है, कितने आपके थॉट पैटर्न बदल चुके हैं, कितने इमोशंस बदल चुके हैं, कितनी एंजाइटी स्ट्रेस टेंशन आ चुका है, इतना सारा अपने बॉडी में माइंड में भर लिया है कि वो 656 मसल्स 6.3 ग्राम शुगर को खाने से इनकार कर रही है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं? सिर्फ इतनी सी शुगर ये नहीं ले रहा है, इनकार कर रहे हैं मुझे नहीं खाना है, इतने वीक हो चुके हैं आपके मसल्स, आपके बॉडी, आपके ऑर्गन, आपके सेल्स। तो सोचिए जरा आप, डायबिटीज जितनों की डायबिटीज है वो भी सोचिए, जिनको नहीं है वो फ्यूचर में अगर नहीं हो सक ना होने पाए उसके लिए सोचिए, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं, आपके इमोशंस को पॉजिटिव बनाएं, डाइट सिस्टम चेंज करें अपनी, आपकी जो है लाइफस्टाइल है, क्योंकि डायबिटीज क्या है, वो लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करें तो ऑटोमेटिकली आपके 656 मसल इतनी शुगर, तो इससे ज्यादा शुगर वो खा सकते हैं, देखिए, ठीक है। पहले जमाने के जो लोग देखे थे बहुत सारा लड्डू खा लेते थे, ठीक है, शुगर खा लेते थे, गुलाब जामुन खा लेते, बहुत सारी रोटियां खा लेते, कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो आपको देखना होगा, आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो शायद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, और हाँ, अगर आपको मेरे NLP के जो प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, ठीक है, या ऑनलाइन आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं इसको सेशन के लिए, या ऑनलाइन क्वालिफायर है कि एंजल थेरापी, ठीक है, ये भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9974969080। थैंक यू।